ये हमारी रात छत गिर गई, मकान सारा कंडम हो रहा है और बिल्कुल गरीब लो खस्ता हालत में हमारा परिवार सारा है। और मतलब ये रात बच गए, दादाजी नीचे आ जाते, हम ये ऊपर इधर बाहर जाके सो गए। मम्मी बोली भी चलो बाहर सो दो, क्या फायदा है कि बचत रहेगी। और सारी तरफ से हमारे को बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी है ना। हमारे किसी योजना में हमारा अभी कोई बेनिफिट हमने मिला, ये हमारा कोई बेनिफिट अगर हमने ये मकान का मिल जाए तो फिर या सही बनाने वास्ते मिल जाए तो उस वर्ग की बात नहीं, कोई आला नहीं हमारे पास। आपने जो प्रधानमंत्री आवास योजना चली हुई उसका कोई फॉर्म भरा था? फॉर्म भरा था जी मैंने, उसका जो प्लाट का था, प्लाट का भरा था, बोला प्लाट मिलेगा, प्लाट लेना है तो मैंने प्लाट का भरा था, वो अभी तक आया नहीं। एक बार हमने पता करा था, वो आया नहीं है। क्या आप चक्कर लगा लगा के थके? हाँ कई चक्कर मारे हमने, मतलब कोई मतलब पता नहीं लगा। कौन कौन आपके परिवार में रहते हैं? मैं हूँ, मेरी मम्मी है, मेरा भाई है छोटा। तो कितना पुराना घर है ये आपका? ये बहुत काफी पुराना है जी, पूरे मकान में त्रेड़ियां सारे सारे मकान की जर्जर हालत हो रही है, खस्ता जमा। किसी टाइम भी कहें तो अंदर बाहर से कहीं से भी गिर सके, दीवार भी गिर सके और भी कुछ भी गिर सके इसका। इस रात वैसे कुदरती बच गए, परमात्मा ने नहीं कहीं, इसमें बैठने का जमा भी 1% भी मकान काबिल नहीं है इसके। ऐसा है जी, मकान खस्ता हालत है और रात को लगभग 3 बजे के आसपास ये मकान की छत गिर गई। एक भगवान का जो धन्यवाद करेंगे कि जो रोजाना इसी छत के नीचे सोते थे तो रात को ऐसा चांस बैठा कि दूसरे कमरे में सो गए और रात को ये छत गिर गई। बीपीएल परिवार है, जरूरतमंद है, गवर्नमेंट की स्कीम बहुत हैं परंतु इनको किसी स्कीम का कोई आज तक कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो हरियाणा सरकार से प्रार्थना है कि ऐसे परिवारों का पहले सहायता करनी चाहिए जो अब तक लाइन में लगे हुए हैं। इन्होंने बहुत से फार्म भी भरे हैं, मेरे को पता है, प्लाट वगैरह के और के, तो हर स्कीम में बस एक सांत्वना ही मिली है कि जल्दी कुछ मिलने वाला है परंतु इनको मिला कुछ नहीं। तो सरकार से प्रार्थना है कि इसकी तरफ ध्यान करके और इनकी हेल्प की जाए। मेन सिटी टूटा है सारा, मेन सिटी टूटा है सारा, सोया करते हैं।